नमस्कार। स्त्री काल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीरो आवर्स के प्रश्न इस कार्यक्रम का नाम है और आज फिर हम बातचीत करेंगे। जो बिहार में जाति सर्वे आया है, जाति गणना हुई है और उसके जो आंकड़े आए हैं उसकी पृष्ठभूमि में आज बातचीत कर रहे हैं। दुसाद धारी धरही, जिसे पासवान नाम से जाना जाता है, 5.311% इसकी जनसंख्या बताई गई है और ये बिहार में जो दलित समुदाय है, शेड्यूल कास्ट समुदाय है, उसमें सबसे बड़ा जाति समूह है 5.311% के हिसाब से। उसके बाद चमार जाति आती है और फिर मुसहर भुइया जाति आती है जो तीसरे नंबर की दलित जाति मानी जाएगी। आज बातचीत करेंगे हम इसके थोड़े से इतिहास पे, जाति की प्रवृत्ति पे, जाति की राजनीति पे और जो जाति गणना आई है उसके बाद राजनीति किस दिशा में, किस शेप में जाएगी, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं डॉक्टर संजय पासवान। डॉक्टर संजय पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनसंचार में मंत्री रहे और शिक्षा मंत्री रहे हैं। आप अभी बिहार में बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। संजय जी अपने स्कॉलरशिप के लिए भी जाने जाते हैं। कई सारी किताबें इनकी और खास करके दलित इंसाइक्लोपीडिया एक किताब है इनकी और भी कई सारी विषयों पर इनकी किताबें हैं। एक बड़े आइडियोलॉग के तौर पे भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, लेकिन खास करके संजय जी का आदर इनके स्वतंत्र विचारों को लेकर के भी है। तो संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपने इनको तो हमारा सुना ही। सबसे पहला सवाल कि ये इस जाति के बारे में आप बताएंगे। एक तो ये आमतौर पे सिर्फ दुसाद या पासवान लोग जानते हैं, लेकिन ये धारी धरही इस रूप में काउंट हुआ है, धारी धरही दुसाद, और इसकी संख्या है 5.311। तो ये क्या ये, है? और एक तो जो प्लेन में है ना, जो बच्चों में प्लेन इलाके में है वो अधिकांश दुसाद लोग हैं, और जो लोग जल के इलाके में हैं, जैसे कि अब आप देखेंगे खास करके इधर मगध के इलाके में जो जल्ला का इलाका है, जो बिल्कुल टाल का इलाका है, देखेंगे आप टाल के इलाके में, जल्ला के इलाके में, तो इस इलाके में मतलब जो जनरली जल से संबंधित मामला जो है, आप देखेंगे इधर कुछ इलाके में माझी भी कहलाते हैं लोग, पासवान जो है उनको माझी कहा जाता है। तो माझी का मतलब ये कि सब, माझी का मतलब वो मुसहर नहीं और माझी का मतलब मल्लाह भी नहीं। तो कुछ इलाके में जैसे कि अब देख लें आप बिहार का जो चंपारण का इलाका है, सारण का इलाका है, वो बिल्कुल उसमें माझी कहलाते हैं लोग। और जल्ला के इलाके में आप देखेंगे कि मोकामा बरहिया टाल से लेकर के और पूरा बक्सर के इलाके तक जो है इलाका है, ये ढाड़ी दुसादों का इलाका है। तो ढाड़ी दुसादों का इलाका मतलब कुछ जो सब देखा है ना, ढारना कहते हैं, ढारना जी, उस इलाके में आप ये कह सकते हैं कि जो तार का पेड़ वगैरह भी है, तो तार के पेड़ से तारी को ढारना, उतारना, तो उस इलाके में वो सब काम कुछ हमारे प्लेन इलाके में पासी लोग कहते हैं, भी पासवान का ही एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे बिहार में अलग कर दिया गया उसको। तो वह ढारी ढारना, ढारना से जुड़ा हुआ है, तो जो ढारने का काम। तो ये खास करके आप देखिए सबसे बड़ी संख्या मोकामा के टाल में है, ये बड़ी संख्या में बड़े लड़ाकू लोग हैं। इन लोगों ने उस इलाके में काम करते करते अपना एक भाषा भी डेवलप कर लिया अलग से है, एक भाषा भी डेवलप कर लिया इन लोगों ने है। तो भाषा वो हम लोग को समझ में नहीं आता है, ऐसी भाषा है जो कि बिल्कुल कोड में बात करते, कौन सी भाषा तो कहलाती है? वो मगही मगही भाषा ही है, लेकिन थोड़ा कुछ ऐसा शब्द है। एक तो हम लोग की जाति पे जहाँ कहीं भी ये इल्जाम है कि साहब ये क्रिमिनल ट्राइब्स लोग हैं, तो यह है, और चोरी वोरी से जुड़ा हुआ एक माना जाता है कि कस्टमरी ढंग से जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे जो भी जाति सब एक कूट भाषा होती है इन लोगों की, जिन जातियों पर अधिक हमले हुए, अंग्रेजों के हमले हुए या फिर समाज के दबंगों का हमला हुआ, आपस में कूटनीति एक कूट भाषा तैयार करते हैं लोग, तो उसका भी इस जाति पे असर है। और पूरे इस इलाके में आप देखेंगे पूरे जो इलाका है मतलब टाल का इलाका है, उसमें बड़ी संख्या में ढाड़ी और अधिकांश जमींदारों की खेती
यही लोग करते हैं, जमींदारों की खेती, कुर्मियों की खेती भी यही लोग करते हैं, और कहीं किसी हालत में रह सकते हैं, ये रह लेते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि साहब ये घंटों भूखे रह सकते हैं, ये घंटों दिनों कई दिन बिना पानी के रह सकते हैं। ये कौन, ये अंग्रेजों ने भी लिखा है, अंग्रेजों ने लिखा है कि साहब ढाड़ी दुसादों को देखा हमने कि साहब हफ्ता हफ्ता दिन बिना पानी के, बिना भोजन के रह लिया और सबसे मोर्चा लिया। ये अंग्रेजों का भी लिखा हुआ है, ये बड़ा ये है। ऐसे हम लोग तो मेनलैंड में, पासवान जो है, दुसाद जो है, मेनलैंड में रहा है, तो वहाँ भी जीवटता वही है, लेकिन इन ढारियों में विशेष तौर से है। और इसको एक पूरे तबका में देखो, एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी है उसमें, दुसाद अपने आप को इससे श्रेष्ठ समझते हैं और ढारी ढारी को थोड़ा अपने से ही समझते हैं। लेकिन जब से हम लोग को सेंस हुआ, तो हम लोगों ने एक प्रयास किया सब लोग को मिलाकर, हम लोगों ने कई शादियां करवाया हम लोगों ने आपस में, जो एक होता है ना ग्रेडेड इनइक्वालिटी जो है, जिसका शिकार भारतीय समाज रहा है। धारी और धरही दोनों एक है, फिर है ना, जैसे दुसादों से थोड़ा नीचे धारी है और उसे थोड़ा नीचे धरही है। अब धरही का मतलब ये है कि सब धारी नीचे रह गया और धरही जो है तो चर के पेड़ से उतारा या चर के पेड़ से कुछ काटा। जैसे आप गौर करेंगे कि टाल के इलाके में पेड़ बहुत कम होता है, टाल के इलाके में बहुत कम पेड़ होता है। अब पेड़ अगर है भी तो तार का पेड़ है, खजूर का पेड़ है, या बड़ा बड़ा पेड़ सब है जो मतलब कितनों पानी आ जाए तो खराब नहीं होता है। तो उस पेड़ पे चढ़ना भी एक कला है, और चढ़ के चाहे तारी उतारना हो, चाहे उसका फल को तोड़ना हो, तो ढारने वाला नीचे ढारने वाला हुआ, ढर ही जो चढ़ के उतारा। तो ऐसे लोग थे, फिर वही लोग आज पासिक वाला फीचर ज्यादा है इसमें ना। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे ज्यादा मिलता होता ये है। पासी भी हम लोग का वही है, पासी जो वही ट्रेडिंग करने लगा। हम लोग इस इलाके मेनलैंड में हम लोग भी तार सुतारने काम करते थे, एक इकोनॉमिक्स का बड़ा पार्ट था, वह अर्थव्यवस्था का बड़ा पार्ट रहा है, जो शराब का तारी का धंधा रहा है या नीरा का धंधा रहा है, ये बड़ा इकोनॉमिक्स पार्ट रहा है। तो हम लोग इस इलाके में भी उतारते रहे हैं और बेचने का काम पासी समाज के लोग करते रहे हैं। तो पासी इसीलिए हो ही गया, हुआ पासी को ताड़ी पास हुआ और फिर वो बेचने लगा उसको, इसलिए सब एक ही है। लेकिन अभी यहाँ पे जो है केवल पास दुसाद ढारी और ढरी को जोड़ा गया है जो ऐतिहासिक तौर से, और फिर उस इलाके में जो पूजने का होता है, देवता पूजने का होता है, और यूँ कह लें कि साहब जो कुलदेव होते हैं, जैसे हम लोग कुलदेव होते हैं, राहवा होते हैं, गुरैया होते हैं, तो राहवा गुरैया की पूजा करते हैं, और लोग इनसे झाड़फूँक करवाने भी जाते हैं लोग, मतलब कि ढार देना उतार देना। तो कहते ना कि साहब धार दिया, और कुल मिलाकर के तो लोग बड़ी संख्या में इस समाज के लोग ये भी होते हैं कि ओझा गुनी भी होते हैं, भाई किसी को भूत चढ़ गया, किसी कुछ हो गया, तो वो भी उतारने काम करते हैं, विभिन्न जातियों के लोगों का। यह भी है कि धार देना, ढार देना, ढार देना, तो कुछ है तो उसको उतार दिया उसने, कुछ चढ़ा हुआ है अगर, कुछ भूत प्रेत लगा हुआ है तो उसको उतारने काम भी करते हैं। यह भी एक मोटा मोटी उनके साथ ही जुड़ा हुआ ये रहा है, उनके साथ काम धंधा का, कि वो काम करते हैं, झाड़ फूँक करने काम भी करते हैं सब लोग। जी जी जी, तो ये जो तीनों ही पासवान जाति समूह की बात करें तो ये पाए जाते हैं मूलतः बिहार, पूर्वी यूपी और झारखंड में, थोड़े बहुत उड़ीसा वगैरह, और थोड़ा जब अंग्रेज कलकत्ता बंगाल में आए तो नवाब सिराजुद्दौला की फौज जो है उससे अंग्रेज हारता गया, तब वो बिहार के पासवानों को वहां ले गए। जो वहां जो आप देखते हैं बैरकपुर बना हुआ है कलकत्ता में, वो बैरक पासवान का ही बनाया, पासवानों के लिए ही बनाया गया था वो, और सिराजुद्दौला के फौज को पासवान ने हराया। एक बड़ी संख्या वहां पे आज भी लगभग 10 लाख की संख्या कलकत्ता और आसपास बैरकपुर के आसपास में दुसादों की है जो सिराजुद्दौला के फौज से लड़ा था। इसलिए हम कह सकते हैं इस जाति का जो बिहार के अलावे पूर्वी उत्तर प्रदेश, थोड़ा बहुत उड़ीसा और बंगाल में, झारखंड तो है ही, बंगाल में झारखंड में रहा है आबादी, जहाँ कहीं भी है बड़ा स्वाभिमान से ये जाति जीता रहा है। गरीबी रही है मगर स्वाभिमान से, और कोई ऐसा काम जो
जिससे कोई काम, जिससे वो काम नहीं होता होगा, वो काम दुसाध्य कहा ही चले गया है, जिसको साधना मुश्किल हो और दुसाध्य मतलब डिफिकल्ट काम को कर। इसलिए ये कहते हैं कि साहब जो काम कोई और नहीं कर सकता है वो दुसाध्य कर लेगा, और दुसाध्य साधनी कहा गया है। नाम जो है जी पासवा जो नाम है वो उर्दू शब्द, हाँ उर्दू शब्द लगता है, जैसे दुसाध आप कह रहे हैं दुसाध्य, जिसको हेतुकर झा कहते हैं कि बज्रयानी बौद्ध थे, और ऐसे ये पासवान जो है वो पासवान शब्द जो उर्दू का शब्द है उससे पारसी, पारसी वर्ड है, पारसी वर्ड है। मुझे लगता है कि जब दुसाध्य साधनी तो संस्कृत वर्ड है, तो संस्कृत वर्ड था जब, तो जब बाहर के लोग आए और जब जातीय गुण देखा तो उसको पासवान कहा, मतलब पासवान तो गार्ड रक्षक का, तो ये पारसी वर्ड है। ये बाद में चल गया पासवां, नहीं कहते कि लुट गया पासवां कारवां हमारा, तो पासवां कारवां का मतलब यही होता है कि सब जो पारसी शब्द का मतलब रहा है ये, और चल रहा अभी तक है। कुल मिला के इन शब्दों को लोगों ने स्वीकार कर लिया, चलाया इसको, लेकिन असली वो संस्कृत शब्द जो है दुसाध्य साधनिक शब्द से निकला हुआ, दुसाध्य जाति है और पासवान सरनेम है। इसकी राजनीति पे बाद में आएंगे, उसके पहले थोड़ा और आप तफसील से बताएं कि इसके मूल फीचर, जाति का मूल फीचर क्या है, ये किस स्वभाव का है, किस तरह के धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान है इसके यहाँ। देखिए कभी कभी क्या ओझा ओझा गुनी और भी चीजें, गांव के रक्षक के तौर पे ये जाने जाते रहे। देखिए हम लोग को जो अपनी जानकारी है, मुझे याद है हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग के उत्तर बिहार में सलहेस का पूजा होता है, राजा सलहेस का, ये श्रावण महीने में चैत महीने में होता है, तो उस महीने में पूजा होता था, तो ये सुअर की बलि चढ़ाई जाती थी, और सुअर की बलि भी बड़े एक ड्रामेटिक ढंग से, मुझे याद है कि मतलब हमारे नाना ने क्या होता था, बड़ा ड्रामेटिक ढंग से इसको करते थे लोग, तो उस सुअर को पहले पूरा एकदम पूजा पाठ करके करके और गौओं को छुलाया जाता था, गौ को स्पर्श कराया जाता था, और फिर बाद में उसको सुअर को श्रृंगार लोग ये करते, सुअर को श्रृंगार करके गौ को, उसका मतलब ये था कि हम लोग कहते थे कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है, तो बाद में मालूम हुआ कि साहब विभिन्न इलाके के लोग गौ को ला करके उस सुअर विशेष से स्पर्श कराते थे कि ताकि उसकी गौकशी नहीं हो, मतलब अपने गौ की रक्षा के लिए, जो समाज के लोग गौकशी करते होंगे उनको भी ये इतला करने के लिए, इसको साहब सुगर ने स्पर्श कर दिया, छू दिया है, तो उसके प्रति लोग गौकशी नहीं करेंगे और उसको मतलब उस काम के लिए नहीं ले जाएंगे, कसाई नहीं खरीदेगा उसको, ये एक भाव था। या चोरी होती थी गाय की तो कसाई लोग ही चोरी करते थे, उसकी चोरी नहीं होगी, उसका कत्लेआम नहीं होगा, ये सब बातें थी। तो और फिर बाद में उस सुगर को मार के लोग उसका प्रसाद बनाते थे लोग, और महाप्रसाद के रूप में वितरण करते थे, और बहुत लोग लेते थे, खाते थे उसको लोग, कम कम ही सही नहीं खाते थे लोग, ये एक पूजा परंपरा। फिर आप देखें यहाँ पे भी, फिर मगध में भी बाबा चौहर के पूजा में, बाबा गोरैया के पूजा में, राहवाग पूजा में भी ये सुअर की बलि चढ़ाने की परंपरा रही हम लोग के यहाँ। ये आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी एक ट्राइबलिज्म रहा है, ये पूरे बिहार के प्लेन इलाके में कोई एक जाति है जिसका ट्राइबल से कैरेक्टर मिलता है तो वह दुसाध है, वह पासवान है, एक ट्राइबलिज्म है। आग पे चलने की परंपरा भी है, मैं खुद एक बार आग पे चला था जब मैं मिनिस्टर था, हमारे भगत ओझाओं ने हमको आग पर चला दिया था, वो बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था उसमें, मैं खुद आग पर चला, गर्म दूध से नहाने का, गर्म दूध में डालने का, तो अभी भी ऐसे कई लोग हैं, मैं जानता हूँ अभी भी हजारों ऐसे लोग हैं, ओझागुनी हैं, जो गर्म दूध से नहा लेते हैं, गर्म दूध में हाथ दे देते हैं, या अपने हाथ से गर्म गर्म चीज़ों को लार देते हैं, ये है मतलब कुछ है। तो एक ट्राइबलिज्म का एक है, कह लें कि एक आदिवासी संस्कृति का प्रभाव किसी जाति पर है, बल्कि एक कई शोध हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कई लोग कर रहे हैं कि क्या पासवान भी आदिवासी हैं, क्या वनवासी हैं, क्या इस पर बातें चल रही है, और वो कई मापदंड पर खड़े उतरे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये एक बिल्कुल अद्भुत है जो और किसी जातियों में नहीं है। फिर बाद में आप कह लें कि साहब बाद में लोगों ने अपने आप को और चीज़ों से जोड़ा, लेकिन ये है अभी मूलतः आप देखें दो जाति जो अभी है इस देश राज्य में, एक कहार जाति है जो आज भी अपने आप को जोड़ता है, एक ऐसे जरासंध से जोड़ता है जिसको राक्षस माना जाता है, और दूसरी जाति हमारी है जो राहवास जोड़ते हैं, राह के तो राहु केतु कहते हैं, ये राहु केतु जिसको राक्षस माना जाता है,
जरासंध जिसको राक्षस माना जाता है, ये दो जातियां ऐसी है जो आज तक अपने इस तथाकथित राक्षस नायक को अपना नायक मानता है। ये एक अपने आप में शोध का विषय, समाजशास्त्रीय शोध का विषय है और आज भी पूजा लोग करते हैं उसकी। जरासंध की पूजा कहार चंद्रवंशी लोग करते हैं, राहुबाग पूजा हमारे लोग करते हैं। ये है डिफिकल्ट थोड़ा है, इस पे बहुत कुछ काम हुआ नहीं है, लेकिन हमारे राहु से तो हो जाएगा जी। मृतकों में राहु से उत्पत्ति बताई जाती है। तो अब जैसे डिहवार डीह जो आप बता रहे थे, तो वो भी कुल देवताओं की तरह होते हैं। हाँ हाँ, देखिए डिहवार और डिहवारनी ये लगभग सब जातियों में है, तब सब अपने अपने डीह के गोसाई को या डिहवारनी देवी को पूजते हैं लोग। ये आप देखेंगे बिहार ही नहीं, यूपी में भी लगभग सभी जातियों में है ये, कि ये डीह डीह बाबा हैं या डीह बाबी हैं या डीह डिहवारनी माई हैं। तो जिसके जो पूर्वज पहले आए, अब मान ली कहीं बहुत कहीं भूकंप हुआ, कहीं अकाल पड़ा, तो किसी की माँ ने अपने दोनों बच्चों को लेके आ गई कहीं पर, तो डिहवारनी हो गई वहाँ पे, ये डीहवा का। और ये परंपरा हम लोग के जाति में ज्यादा मेंटेन है, और हमने देखा कि जहाँ जहाँ सवर्ण समाज के भी डी हैं या डिहवारनी माई है, डिहवारनी बाबा अगर हैं, तो वहाँ भी उसकी सेवैती जो है पासवान करता रहा है, आसवान सेवैत में रहा है, मतलब एक डिपेंडेबल रहा है। और नीचे की जातियों में धर्मपरायण माना गया है इसको, एक तो वफादार माना गया, चौकीदारी दी गई है, धर्मपरायण ही माना गया है, इसीलिए उस डिहवार की रक्षा हेतु ही भी पासवान को ही रखा जाता है। हमने कई जगह देखा, जैसे गोरैया है, गोरैया मगध के इलाके में तमाम गांव के मुख्य द्वार पे, गांव के चाहे गांव बुमियार का है, ब्राह्मण का हो, राजपूत का हो, मुख्य द्वार पे गोरैया को पूछते हैं लोग, मानते हैं, उसके जो सेवैत हैं वह पासवानी होते हैं। तो शुभ काम होता है तो बिना गोरैया को दिखे नहीं होता है। आप तो खुद मगध के रहने वाले हैं, देखते हुइएगा कि खास के मतलब गाँव के मुख्य द्वार पे जो मेन एंट्रेंस वहां पे होते हैं, ये मानते हैं लोग कि मुख्य द्वार पे होने से भाई इस गांव में किसी किस्म का दुरात्माओं का या चोर डकैत का कोई प्रवेश नहीं होगा। ये एक भरोसा इस जाति के लोगों पर रहा है, इसी जाति के लोग बसते ही रहे हैं गांव के मुहाने पर, गांव के द्वार पर। जी, जी। तो एक अंतिम सवाल संस्कृति से रिलेटेड, वो ये कि तब राजनीति की ओर चलेंगे, और वो ये कि बाबा चुहड़मल और सलहेस, ये दो इतिहास पुरुष भी हैं, संस्कृति पुरुष भी हैं, पासवान, उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए कुछ लोग मानते हैं कि समकालीन है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं इस चीज को। राजा सलहेस का जो काल है उसको लोगों ने 5th-6th century में रखा है, और सलहेस भी अपने इलाके के बहुत महानायक थे, और मंगोल से जो उत्तर से आने वाले आक्रांता थे उनसे लड़ते थे वह। और इनका भक्तिकालीन युग है, जो चौहरमल का समय है वह भक्तिकालीन का समय है, वो मखदूम साहब के समय में कहें तो मखदूम साहब का मामला इधर 1700-1800 का है, और वो 5वीं-6वीं शताब्दी में सलहेस हुए थे। हमारे लोग जो हैं एक मामा भांजे का रिश्ता बना दिए हैं, बड़ा प्यारा रिश्ता होता है मामा भांजे का। आप देखेंगे मुसलमान समाज भी मामा भांजे का मजार है, तो मामा भांजे का ये है, तो एक रिश्ता बना दिया। लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ, बहुत काल का फर्क है, लगभग मैं मानता हूँ कि 1000 साल का फर्क है, ये मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए मगर दोनों का कैरेक्टर एक जैसा है, वहाँ पे जो सलहेस का है, सलहेस का भी जो वीर गाथा का है, उनकी प्रेम गाथा भी है, जो एक मालिन नायिका है, नायिका जो है माली समाज से है, तो एक मालिन नायिका से उनका प्रेम संबंध चलता है, उस चर्चा उन पे है उनके वीर गाथा के अलावे। और यहाँ भी जो है जो चौहर बाबा का है, चौहर पूरे उस टाल के इलाके के लोग कहते हैं कि 14 कोस लंबा, मतलब ये था उस 14 कोस को पूरे रात भर बाघ की सवारी करके, वो बाघ को नाग नागिन से नाथे रहते थे वह और सवारी करते थे, एक बड़ा डिफिकल्ट काम था। तो एक चौकीदारी भी था उस पूरे टाल का उनके जिम्मे में, और उनका एक प्रेम गाथा भी रहा उनका है उस इलाके की स्त्री से, उस इलाके के जमींदार की एक बेटी से उनका रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दलित समाज का अपने आप को एक वीरता और अपनी पूछ को बढ़ाने के लिए, कि ऊपर के समाज के लोग भी हमारी पूछते हैं, जैसे सलहेस के बारे में जो मालिन माली का है, वहाँ माली ही राजा था उस इलाके में, माली राजा था, तो उनकी बेटी से कुसुमा कहते हैं उसको, कुसुम से प्रेम था,
यहाँ भी जिस जाति का जमींदारी है उसकी जाति के ही लड़की को दिखाया गया कि उनसे प्रेम हो गया। इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है यह कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं प्रतिरोध की जो भावना रही है उस अपर ऊपर के लेयर के लोगों से अपने आप को जोड़ करके उनकी लड़कियां भी हम लोग को चाहने लगी, ये एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि साहब बात में सच्चाई हो दम हो। एक सामाजिक प्रतिरोध का या सामाजिक उपस्थिति का कह सकते हैं कि एक सार्थक रूप से दर्ज किया इन लोगों ने, हाँ एक कहानी बनाकर किया इतना तो तय है कि मार्शल जाति है और ये बात कम से कम इतिहास से सिद्ध होता है सरजोत दोलाग वाले मामले में। लेकिन खैर अब थोड़ा राजनीति को समझना चाहेंगे। 5.311% सबसे बड़ी दलित जाति, रामविलास जी के बाद जो है एक मौका आया था कि रामविलास जी पूरे पैन दलित लीडरशिप खड़ा हो बिहार में, नहीं हो पाया। अभी आप कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में क्या अनफोल्ड होने वाला है, कोई पैन दलित खड़ी होगी पासवानों के बीच? ठीक है आपने कहा, रामविलास जी से पहले भी इस जाति के नेता बड़े बड़े हुए हैं, भोला पासवान शास्त्री हुए, बिल्कुल भोला पासवान शास्त्री जी, वो मुख्यमंत्री रहे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन के चेयरमैन रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बड़ी हस्ती रहे, बड़े विद्वान, बड़े अच्छे वक्ता, बड़े सादगीपूर्ण आदमी थे। रामविलास जी भी हुए और लगभग 10 MP हो चुके हैं इस जाति के, जो केंद्र में जिनका अपना एक प्रभाव रहा, छेदी पासवान जी हैं, हम सब लोग रहे, सुखदेव पासवान जी रहे, महेश्वर हजारी जी रहे और भी लोग रहे। मतलब ये मैं कहता हूँ कि कुल मिलाकर के रामविलास पासवान जी में कोई शक नहीं, एक बड़े नेता हम लोग के रहे, उनके कारण पासवान चमारों में एक दूरी बढ़ गई। बाबू जगजीवन राम जी ने जो दूरी को पाटा था या जो बनाया था कि पासवानों का और चमारों का एक बड़ा अच्छा एक संबंध था और कुल मिलाकर के पूरा दलित समाज एक था, ये श्रेय जाता है बाबू जगजीवन राम जी को। लेकिन रामविलास जी उसको कैरी नहीं कर सके। रामविलास जी का एक ही सेंटेंस होता था उनके भाषणों में कि वो जमाना जगजीवन राम का चला गया, ये जमाना रामविलास पासवान का है, तो बड़ा सालता था चमार समाज को। ऐसे एक दरार दूरी बढ़ गई। मुझे लगता है कि रामविलास पासवान जी एक बड़े नेता होते, अगर पासवान और चमार जिसकी संख्या बराबर में यहाँ पर इस बिहार में रहा है, बल्कि जो अखंड बिहार रहा है उसमें चमार तो अधिक थे, हम तो इस खंडित बिहार में हम चमारों से अधिक हैं। चमार एक राष्ट्रीय जाति भी रहा है और उस अखंड बिहार में चमार हमसे काफ़ी अधिक थे। तो मतलब ये कि अगर उनको एक कर चलते तो रामविलास जी की कद अपने ढंग से एक अलग होता। पासवान समाज को, पासवान आज भी पासवान समाज पर भरोसा चमारों का नहीं है, चमारों पे भरोसा पासवानों का नहीं है। तो यह एक बड़ा काम है करने के लिए, जो नेता ये कर पाएगा वह नेता आप मान लें कि साहब निश्चित तौर से मुसहर समाज भी उसके पीछे हो जाएगा। मुसहर समाज चूंकि इन दोनों समाज के बाद ही आया, संख्या में भी शिक्षा में भी उसके बाद ही आता है। तो आज की आवश्यकता है कि कैसे पासवानों और चमारों को एक किया जाए, एक होता दिखाई पड़े, जो कर पाएगा वह दलित का एक छत्र नेता हो जाएगा। जी अभी जो देखिए जो महादलित बटा वो ऐसा कहा जाता है कि पासवानों के बरक्स बांटा गया था, तो सबसे पहले उसके रिएक्शन को समझेंगे कि वो समाज में क्या रिएक्शन था और क्या राजनीति थी, तब आएंगे कि जाति जनगणना जो चुकी नीतीश जी ने ही कराया है जिन्होंने दलित महादलित का एक, लेकिन लेकिन महादलितों के बीच उससे उनकी पैट बनी ऐसा भी कहा जाता है, उसको देखते हैं और समाज में। जी देखिए 2004-05 का समय था और बब्बन रावत नाम के एक एक्टिविस्ट हैं, बड़े अच्छे एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक एक्टिविस्ट रहे हैं और वो वाल्मीकि समाज से आते हैं, भंगी समाज से आते हैं, हमारे छोटे भाई की तरह हैं। उनका प्रयास था कि महादलित शब्द उन्होंने कॉइन किया। इस देश में पहला श्रेय आता है महादलित शब्द को व्याख्यात करने का या फिर उस शब्द को शब्दावली को लाने का, तो ये बब्बन रावत को जाता है श्रेय। बब्बन रावत जी ने मूवमेंट शुरू किया, थोड़ा हम लोग को उस समय खराब लगा, फिर भी हम लोग बाद में समझ गए, लेकिन कुछ पासवान लोगों ने ही बहुत उनको इग्नोर किया उनको, लेकिन हमने सपोर्ट किया बराबर उनको। ये शब्द उनका लाया हुआ है, बाद में नीतीश कुमार जी ने इस शब्द को अपनाया पॉलिटिकली और उसको लागू किया। तो उन्होंने जो दलित महादलित का कॉन्सेप्ट किया शुरू में, और जो बब्बन जी का कहना था कि दुसाद चमार धोबी पासी, ये चार विकसित जातियाँ हैं, तो दुसाद तब लगभग 23 जातियों में से ये चार जातियां को हटा करके यही चार लगभग 80% है। तो 80% जाति संख्या भी रही, लेकिन कुल मिला के इनका वर्चस्व रहा है 95% सीटों पर हो
या सुविधाओं पर हो इनका वर्चस्व रहा है। तो बबन रावत जी का भी कहना था कि इन चार जातियों को हटा करके बाकी को सपोर्ट करना चाहिए, हम भी इस पक्ष में थे। तो ऐसा नहीं करके नीतीश कुमार जी ने पासवान को हटा दिया और बाकी 22 जाति को एक कर दिया और कह दिया महादलित थे ये। इससे पासवान बहुत नाराज हुआ और उस समय से ही पासवान समाज को जो एक लगा धक्का और बहुत नुकसान भी हुआ। हम लोग को लोग रो कहने आया कि भैया हम लोग को जात से हटा दिया है क्या, हम लोग को ब्लॉक में चश्मा नहीं मिलता है तो ब्लॉक में इंदिरा आवास नहीं मिलता है, तो लोग कहने आए हम लोग से मानो हटा दिया है क्या इस टाइप से। मैं कहने हटाया नहीं है, कुछ सुविधाओं से वंचित किया और जो हमसे गरीब है उसको मिलने के लिए दिया है। दूसरा फायदा यह हुआ उसका कि हम उन वर्षों में हमारे जाति पासवान से मुखिया बहुत सामान से जीत गया, मतलब हर जिले में 10-12-15 मुखिया जीत गए सामान सीट से। उनको लगा कि साहब अब हमको अलग कर दिया है, आरक्षण से अलग कर देगा, ताकत अपनी खड़ा किया। मुझे याद है कि 10-12-15 मुखिया हर जिला से जीत गए, 2-4 प्रमुख जीत गए, 2-4 जिला पार्षद जीत गए जिलों जिलों से। एक बड़ी बदलाव हुआ जो दिखाई पड़ा कि साहब आरक्षण की बैसाखी के सहारे नहीं हैं तो कैसे लोग समान जातियों से टक्कर लेकर के जीते हो। तो उस समय से नीतीश के प्रति एक भाव जो रहा आज तक मेंटेन है। बाद में रामलीला जी नीतीश जी के साथ हुए भी, तब भी रामलीला जी के अनुसार भी नीतीश के खिलाफ में पासवान समाज मतलब 5 से है और अभी भी है खिलाफ। और एक बात मैं कह दूं आपसे कि अभी पासवान कोई चिराग के साथ ऐसा नहीं है, पासवान एंटी नीतीश है, एंटी लालू है, और उसका फर्स्ट चॉइस अभी है कि नीतीश कैसे हारे। इसलिए आज की तारीख में वह निश्चित तौर से भाजपा के साथ पहले है या कांग्रेस के साथ उसके बाद होगा या उसके बाद लालू जी के साथ होगा या फिर माले के साथ है, नीतीश के साथ बिल्कुल नहीं है पॉलिटिकली। जी तो ये जाति गणना ने कुल मिलाकर के कोई नई चीज अनफोल्ड नहीं की है, कोई नई राजनीति पासवानों की इससे मुझे नहीं लगता। ये वही 1931 का जो जनसंख्या है उसी परसेंटेज 0.25 के आसपास में प्लस माइनस है, मैं मानता हूं इसको कि 0.25 भी नहीं 0.25 आगे पीछे होगा। जिन जातियों का संख्या कम लग रहा है, अब देखें आप कुशवाहा में, कुशवाहा पहले नंबर 3 होते थे 1931 में, आज वो नंबर 2 थे पहले जाटों के बाद, आज नंबर 3 हो गया वो। तो चूंकि उनका दांगी एक बड़ा ग्रुप है जो शाहबाद के इलाके में है, दांगी की काउंटिंग अलग से होने लगी है, और ये उन लोग के आग्रह से हुआ है। तो ये हुआ है, इसलिए कुशवाहा है, कोयरी है, काछी है, कछवाहा है, तो कई नाम से बंटवारा हो, जैसे मलाहों का 11 बंटवारा हो गया है। इसलिए कोई संख्या घटा किसी का ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, और घटा भी होगा तो बस घटा बढ़ा होगा तो 0.25 का ही होगा। इसलिए मैं इस जनसंख्या को पूरी तरह से, मेरा पार्टी का लाइन कुछ अलग ही है, मेरा अपना लाइन है कि मैं मानता हूँ कि इस जनसंख्या में पूरी तरीके से प्लस माइनस 0.25 के साथ ये पूरा जनगणना जो है बिल्कुल सही ही है। आप तो खुद प्रोफेसर हैं और आंकड़ों को समझते हैं, 5-10% का एरर होता है बड़े पैमाने पर। एक सवाल ये कि इसके फायदे क्या होने वाले हैं जाति जनगणना के, जैसे इसके आर्थिक प्रसंग आएंगे। अब पासवान समुदाय है काफी गरीब समुदाय है, कोई आर्थिक बेस नहीं है और एक बड़े पैमाने पे, और दूसरी तरफ ये भी है कि सबसे पावरफुल भी है राजनीतिक रूप से, तो उसका कितना असर है, कितना आर्थिक तौर पे, कितने प्रोफेसर हैं, कितने कुलपति हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने, ये तमाम चीजें सामने आएंगी। तो कैसे देखते हैं इसको आप पर्टिकुलरली जाति जनगणना को, पासवान समुदाय को सेंटर में रखकर? मैं तो कई वर्षों से मेरा मानना है, ये मेरा अपना स्टेटमेंट है कि इस देश में जाति यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हिंदू समर्थ है। और मैंने तो जाति जनगणना का खिलाफ किया था, मैंने हाउस में खिलाफ किया था, हाउस के बाहर मैंने खिलाफ किया था, मुझे लगता है मैं सिंगल व्यक्ति था जिसने अनाउंस किया था इन लोगों ने। मैंने कहा साहब कि जाति का जनगणना नहीं, गरीबों की गणना होनी चाहिए। मैंने कहा क्योंकि मुझे बड़ा लगा इस बात का दुर्भाग्य है, मैं प्रोफेसर भी हूँ लेबर एंड सोशल वेलफेयर का, तो आज तक इस देश में गरीबी की परिभाषा को एक परिभाषा नहीं है, गरीबी की 11 परिभाषाएं हैं। अब कहीं कैलोरी पे है, कहीं पर डे इनकम पे है, कहीं कुछ पे है, मतलब ये है, कहीं कंजम्पशन पे है, कहीं अर्निंग्स पे है, मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि गरीबों पे एक गंभीरता से प्रयास अगर हो, गरीबों की गणना अगर हो, और गरीबी की गणना में जो कन्फ्यूजन है, जो दुविधाएं, वो खत्म हो, तो एक बड़ी बात होगी। जाति वाले पे आपसे स्पष्ट बता दें कि मोटा मोटी एक सिवा एक मनोवैज्ञानिक
एक कॉम पे मनोवैज्ञानिक दबाव है, एक तरफ में मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा एक ऊंचा हुआ है मनोबल। अब अभी सबसे खुश कोई एक कॉम अगर है तो पासवान जाति का है, उसका कहना कि मैं तो थर्ड था, मैं सेकंड हो गया, और उसने भी कह रहा है कि हमारा संख्या कम काउंट किया है। तो होता क्या है, सबको गिला है कि हमें ही कम मिला है, हर जाति को लगता है कि हर लोग लगता है कि हमको कम मिला है, हमको कम आका गया है, ये जनरल। तो मोटा मोटी ये स्थिति है कि इससे कुछ होना ना नहीं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल एक जगह है, एक मनोवैज्ञानिक तौर से एक किसी में दबाव हुआ, किसी का प्रभाव हुआ है, यही एक मनोवैज्ञानिक गेम ही हुआ है, एक साइकोलॉजिकल गेम हुआ है। बाद में आगे क्या होगा वो तो अल्टीमेटली गरीबी गणना से ही होगा। अब कौन किस पद पे है, कौन कितना धनिक है, किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कौन सी सुविधाएं हैं, ये गणना करने में गरीबी गणना होगा, अमीरी गणना होगा, तभी उससे होने वाला है। ये मैं नहीं मानता हूँ जाति गणना कुछ होने वाला है जी, लेकिन वो सामाजिक आर्थिक गणना भी अब आने ही वाला है नवंबर में आपके शीत सत्र में, जो शायद 3 नवंबर से। अंतिम एक संदेश आप दुसाद समुदाय के लिए, समाज के लिए, पासवान समाज के लिए, और उसी में संदेश के साथ साथ आप ये स्पष्ट भी कर दीजिएगा कि ये दुसाद कहना और पासवान कहने को लेकर के समाज में क्या धारणा है। खुद को दुसाद कहलाना पसंद करता है समाज, क्योंकि कई लोग दुसाद टाइटल भी रखते हैं, या पासवान एक तरह के संस्कृतिकरण, अपने खास किस्म का संस्कृतिकरण कहिए। देखिए, मैसेज तो हमारा स्पष्ट तौर से ये है भाई कि ये कौम अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है, ये कौम अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, ये कौम अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। मेरा आग्रह होगा दुसाद बंधुओं से, ढाड़ी बंधुओं से, ढड़ी बंधुओं से, पासवान बंधुओं से, कि अपनी ईमानदारी, अपनी वफादारी, अपनी बहादुरी हर हाल में बनाए रखें। दूसरी बात यह, आपने कहा कि पासवान शब्द रामविलास जी ने बहुत चलाया इस शब्द को, और पासवान शब्द में ज्यादा अपने से दलित शब्द में लोग अपने आप को ज्यादा इम्पावर्ड फील करता है, उसी ढंग से पासवान शब्द कहकर ज्यादा इम्पावर्ड फील करते हैं। मैंने फील किया कई ऐसे जो नन पासवान दलित हैं वो भी कहीं ना कहीं पासवान कहते अपने आप को हैं, जैसे पासवान समाज क्षत्रिय कहकर अपने आप को एम्पावर करते थे एक समय में, अभी कुछ लोग जो दलित समाज में है अपने पासवान कहकर एम्पावर करते हैं। तो एक पासवान शब्द का ज्यादा प्रचलन हो गया है, इसलिए ये शब्द भले फारसी हो, उर्दू हो, ये सब चल पड़ा है, इसलिए पासवान कहना, जैसे कि यूपी के पासी भी पासवान लिखते हैं, तो एक चल पड़ा है। और पासवान चले कुछ भी, लेकिन जो हमने कहा, 3 कैरेक्टर कहा, बहादुरी का कहा हमने, ईमानदारी का कहा हमने, वफादारी का कहा हमने, ये मेंटेन रखें सब लोग, तो एक बड़ी बात होगी। और इसी के बल पे आगे भी समाज में, देश में, दुनिया में, दलों में अपना स्थान पाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें और बहुत तफसील से आपने पासवान समाज, दुसाद धारी धरी समाज के बारे में बताया और उसके राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर बातचीत की। फिर सर आपको कभी आमंत्रित करेंगे, आपसे और बातचीत करेंगे। अभी हम लोग सुन रहे थे, हमारे साथ थे पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री थे संजय पासवान जी, और मैंने जैसा कि कहा आइडियोलॉग हैं और प्रोफेसर हैं और खास करके दलित समाज संस्कृति को बखूबी समझते भी हैं। तो इस एपिसोड में आप जानेंगे समझेंगे दुसाद धारी धरही नाम से जाने जाने वाले इस पासवान जाति समूह का अतीत क्या है, मिथक क्या है, कथा क्या है और वर्तमान क्या है। फिर मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।